नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। जैसा कि आपको पता है कि छतारी में कल 8 तारीख को यहां पर बागेश्वर धाम सरकार का श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम उससे एक दिन पूर्व यहां पर उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। आपने YouTube के माध्यम से देखा होगा कि बागेश्वर धाम किस प्रकार से अपनी महिमाओं के लिए जाने जाते हैं और किस प्रकार से वो दिव्य दरबार भी लगाते हैं। तो यहाँ पर उनके ही सेवादार हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेंद्र चौबे। तो जो बागेश्वर बाबा जी हैं वो कब यहाँ पर आ रहे हैं? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम के पूज्य गुरुदेव भगवान कल यहाँ पहुँचेंगे कथा से पहले, क्योंकि कथा का टाइमिंग 4 बजे से है, तो कथा के पहले वो यहाँ 2 बजे पहुँचेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर हमने बात भी की थी लोगों से, तो कलश यात्रा का भी आयोजन होगा, तो क्या कलश यात्रा में भी बाबा जी शामिल होंगे? कलश यात्रा सुबह 7 बजे है और वो किसी कारणवश नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो कलश यात्रा में शामिल नहीं होंगे और 2 बजे ही पहुँच पाएंगे। अच्छा, जैसा कि हम YouTube के माध्यम से भी देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि दिव्य दरबार भी लगाया जाता है, क्या छतारी में दिव्य दरबार के भी दर्शन कर पाएंगे जो भक्तगण हैं? बिल्कुल कर पाएंगे। छतारी में 10 तारीख को 11 तारीख को सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार है और सभी भक्तों के लिए बिना टोकन का ये दिव्य दरबार है। तो सभी भक्त आपके चैनल के माध्यम से हम उनको आमंत्रित करते हैं कि सभी भक्त अपने कष्टों के निवारण के लिए इस दरबार में पहुँचें। तो क्या क्या विशेषताएं रहती हैं दिव्य दरबार की, आप थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। दिव्य दरबार की विशेषताएं रहती हैं कि आपको ये बालाजी का दिव्य दरबार है, ऐसा दिव्य दरबार है कि आपको कुछ नहीं बताना है, आपकी जो भी समस्याएं होगी समस्याओं का समाधान पहले से ही पर्चे पर लिख जाता है, किसी को भी आपको कोई भी समस्या नहीं बतानी है। और एक ऐसा भारतवर्ष का दिव्य स्थल, एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहाँ पूर्णतः निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लगता है। अच्छा, लोगों में एक ये उत्सुकता रहती है कि कहीं बाबा जी झूठ तो नहीं बोलते, कहीं पहले से ही कहीं समायोजित तो नहीं है, कहीं पहले से ही लिख के तो नहीं लिख रखा, तो जनता के लिए क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं इस प्रकार से? देखिए, ये लोगों में है कि हाँ महाराज जी अगर ऐसा है कि पहले से लिख देते हैं या अपने लोग बैठा देते हैं, तो लाखों लोग आते हैं कथाओं में, दरबार में किसी को भी उठा लेते हैं। अभी आपने उनके YouTube पर देखी जाके बहुत से ऐसे चमत्कार बालाजी के किए हैं कि कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे अंधविश्वास ना पड़े, जिस पर बालाजी की कृपा होती है उन्हीं को उठाते हैं, चाहे किसी को भी उठा दें वो। यहाँ कोई सब तो बालाजी के भक्त हैं ही, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि उनके कोई बैठा हो या शिष्य बैठा उनको उठाते, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी उठा सकते हैं। अच्छा, आपने अभी बताया था कि आप सेवादार हैं, तो आपका क्या कार्य रहता है सेवा में, बाबा की सेवा किस प्रकार से करते हैं आप? मैं तो उनका चरणों का दास हूँ, पूज्य गुरुदेव भगवान का। उनने हालांकि मुझे सेवा जो दी है कथाओं की व्यवस्थाओं देखने के लिए मैनेजमेंट का काम दिया है, तो मैं वही सेवा कर रहा हूँ उनका जो उनका आदेश है। तो और भी लोग हैं, आप कहाँ से अंकल जी? हम गांव शेखुपुर से हैं। तो कैसा, अच्छा, शेखुपुर में बागेश्वर बाबा जी आ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत लोग हमारे गांव से आ रहे हैं अपनी अपनी परेशानियों का निवारण कराने के लिए, भागवत सुनने के लिए, बहुत सारा शेखुपुर गांव से जनता आएगी। अच्छा, ये भाई भी हैं हमारे साथ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक राघव है जी। तो कैसा महसूस हो रहा है कि बुलंदशहर के छतारी में यहाँ पर बागेश्वर बाबा आ रहे हैं कल, तो कैसा लगता है, क्या समस्याओं का निवारण करते हैं या सब ऐसे ही झूठ बोलते हैं या क्या है, लगता है आपको कि सब सच्चाई है? सबसे पहले सभी भक्तों को बागेश्वराय नमः। देखिए, ये एक ऐसा भारतवर्ष का सबसे ऐसा दरबार है जो कि गुरुजी सभी की परेशानियों को हल करते हैं, उनके सबके कष्ट काटते हैं और यह सब काल्पनिक घटनाएँ, समझो। सबसे पहले गुरुजी के जो भी भक्त हैं, जो भी अपनी समस्या लेके आते हैं, चाहे गुरु जी से अटैच हो या ना हो, समझो, गुरु जी से कोई गुरु जी को ना जानता हो बिल्कुल, और कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरु जी को पहले से लिख के रख लेते हैं, गुरु जी को जानते हैं ये, ठीक है, आप कभी भी आना, कभी भी देखना, आप किसी को भी लेके आना, ठीक है, जा आप उसे जानते हो या ना जानते हो बिल्कुल। गुरु जी का चमत्कार ऐसा है जो अपने आप ही ऊपर वाले की उससे मर्जी से। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि आप इससे पहले भी कथाओं में जा चुके हैं। भैया, मेरा ये पहली बार मैं आया हूँ, मैं तो गुरुजी केवल यूट्यूब चैनल से ही देखता हूँ प्रोग्राम, और बस मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गुरुजी हमारे पड़ोस में ही आ रहे हैं, तो हम तो कहाँ पहुँच पाएंगे बागेश्वर धाम। जिस दिन कृपा होगी उस दिन बागेश्वर धाम भी पहुँचेंगे,
आज मेरा तो सौभाग्य जो मैं यहाँ आया हूँ गुरुजी के आने से इंतजार में देख रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी, आप कहाँ से हो आप? मैं तो भैया अलीगढ़ से आया हूँ। तो आप यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए हैं या कुछ कार्य करने के लिए आए? नहीं, कथा भी सुनने आया हूँ, कुछ अपने संकट के दूर जो संकट हैं उन्हें निवारण करने आया हूँ। तो क्या क्या लगता है बागेश्वर बाबा आपके संकटों का निवारण कर पाएंगे? भगवान सुनेगा सब कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है। हम तो बागेश्वर धाम भी घूम के आए हैं। अच्छा, एक दो दिन रुके हैं वहाँ। तो वहाँ कैसा लगा था आपको? तो बहुत ही अलग लीला ही न्यारी, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अद्भुत जगह है वो, और अच्छे अच्छे अपने इस जगह संकट कटते हैं उनके, बहुत अच्छी जगह है। अच्छा बाबा जी, आप कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा से आए आप? हरियाणा में कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। सोनीपत से जी। अच्छा, सोनीपत से और यहाँ की लगभग दूरी होगी 200 किलोमीटर के आसपास जी। तो आप क्या क्या लगता है कि जो बागेश्वर धाम बाबा हैं वो दुखों का निवारण करते हैं या सब अफवाहें फैला रहे हैं, क्या लगता है आपको? जैसी बालाजी की मर्जी होगी वैसा ही होगा। तो ये सब बालाजी की कृपा है, गुरुवर की कोई कृपा नहीं है, ये सब बालाजी की कृपा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है इस प्रकार से, तो आपको क्या लगता है? जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं वही ऐसा कहते हैं कि ये पाखंड है। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सभी लोगों ने यहाँ पर दुखों के निवारण के लिए आए हैं और सभी को कुछ ना कुछ अपने जीवन में दुख रहते हैं। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। कल 1 बजे लगभग यहां पर बागेश्वर बाबा जी का आगमन होगा, तो हमारे साथ बने। हमने बागेश्वर धाम के बारे में बहुत से लोगों से बात की थी, कोई हरियाणा से आया है तो कोई अलीगढ़ से आया है, इसी प्रकार से ये लोग भी यहां पर आए हैं। तो सर्वप्रथम हम पूछेंगे कि ये लोग कहां से आए हैं? भाई साहब, लखनऊ से आए हम। लखनऊ से? लखनऊ तो लगभग यहां से 500 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको क्या लगा, क्या क्या मिलेगा यहाँ आकर? हम लोग काफ़ी टाइम से बाबा से जुड़े हुए हैं और आगे बैठ कर उनसे मिलने की अपेक्षा है, इसलिए पहले 2 दिन पहले आए लखनऊ से। अच्छा, 2 दिन पूर्व भी हम आप यहाँ आकर केवल बाबा को आगे से देख पाएँ, बाबा के बाबा से दिल के तार जोड़ पाएँ, इसलिए आप आए हुए हैं। बाबा से अच्छे से मुलाकात हो पाए, उनसे चर्चा हो पाए, इसलिए हम लोग 2 दिन पहले निकल पड़े हैं और सुबह ही आ गए थे यहाँ। अच्छा, वैसे आप लोग क्या कार्य करते हैं दैनिक जीवन में? हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अपना काम करते हैं, बाबा जी का ध्यान लगाए रहते हैं और यहाँ मुलाकात हो जाए उनसे अच्छे से। अच्छा, क्या लगता है कि बाबा जी जो कर रहे हैं वो, बहुत से लोग होते हैं उंगलियाँ उठाते हैं एक दूसरे पर कि पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, कोई कहता है अंधविश्वास है, तो आपको अपने क्या लगता है अपने तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है, सब चमत्कार है बालाजी महाराज का, बाबा जी के ऊपर ऐसा जो लोग करते हैं गलत करते हैं। अच्छा, इससे पूर्व भी आप लोग गए हैं बाबा जी की कथा में? हाँ, इससे पहले हमारा तो फर्स्ट टाइम है, भाई का सेकंड टाइम है। अच्छा, आपका, अच्छा आपका क्या नाम है? हमारा नाम शरद कुमार मिश्रा है। शरद कुमार मिश्रा जी, तो ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं वाराणसी से आया हूँ। वाराणसी ने यानी कि महाकाल की नगरी से? अच्छा, जब महाकाल की नगरी ही वो पुकारी जाती है तो वहाँ तो आपको महाकाल जी के दर्शन प्राप्त करने थे। तो यहाँ भी तो महाकाल ही हैं, वो भी तो जी बोलते ही हैं कि ये तो शंकर भगवान का रूप ही है। तो क्या लगता है आपको, जैसे कि हमने बहुत से लोगों को देखा है यहाँ भी लोग पहले से ही डेरा जमाए हुए हैं, भैया भी कह रहे हैं कि हम लखनऊ से आए हुए हैं, आप वाराणसी से आए हैं, लगभग वाराणसी तो और लखनऊ से दूर है, तो क्या लगता है बाबा कैसे दुखों का निवारण करते हैं, क्या भक्तजन उनसे संतुष्ट होंगे? छतारी की जनता पहली बार बुलंदशहर में उनका आगमन हो रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तक तो मेरा उनसे मुलाकात नहीं हो पाया है, लेकिन जिन लोगों का हो पाया है उनका कष्ट तो दूर हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और फिर गुरुजी के ऊपर भगवान की छाया तो है ही। अच्छा, अभी भैया से बात कर रहे थे हम, तो वे बोल रहे थे कि इनका सेकंड टाइम है, तो सेकंड टाइम में आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? आप पहली बार भी कथा में गए होंगे, तो वहाँ क्या देखने मिला था आपको? उनके पंडाल पे आप आ जाओ तो फिर कुछ और सोचोगे भी नहीं, वो ऐसी उनकी कृपा है, सिर्फ आप आ जाओ तो जितने गलत काम हैं आपके वैसे ही आप छोड़ते चले जाएंगे उनके साथ। अच्छा, एक चीज़ है कि आजकल नशे में लोग गिरफ्त होते जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आकर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं? तो आप अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब लोग गुरुजी से जुड़े और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आजकल हिंदू धर्म पर भी उंगलियाँ उठने लगी हैं, जैसे कि आपने
JNU में देखा, JNU कांड आपने भी सुना होगा, किस प्रकार से ब्राह्मण भगाओ और बनिए भगाओ वाला जो आरोप स्लोगन चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शायद आप भी मिश्रा जी हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सब लोग जुड़े और सब लोग एक हो जाएं? अब यही समय है हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का। अच्छा, और एक होके चलने का। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार के स्लोगन्स को नारे लगाते हैं? कौन जानेगा, आप तो न्यूज़ वाले हैं, आपसे बेहतर इस बात को कौन जानेगा कि कौन लोग हैं जो उनको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, कहीं भी किसी भी प्रकार से लोग हों, हालांकि बागेश्वर बाबा की अपनी कृपा अलग होगी, किसी की कुछ होगी, सबकी मान्यताएं हैं, लेकिन जातियों में जब समाज बट जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। कोई किसी कास्ट को बुरा बताता है, जात को नहीं बढ़ाना है या किसी को गिराना नहीं है, यहाँ अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना है, यहाँ किसी जात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए, सब लोग आए हैं, यहाँ सबका दुख का निवारण होगा, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एक ही जात आए या एक ही जात जाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति तो आगे बढ़ानी है। जैसे ये सब नशे में फंस रहे हैं तो क्या है, ये हमारी संस्कृति थोड़ी है। वेस्टर्न कल्चर है कि लोग पहले, जैसे आपने देखा होगा, अंग्रेज लोग थे वो दारू पीते थे, शराब पीते थे, बिस्की पीते थे, रम पीते थे, वही चीज़ अब वेस्टर्न कल्चर भारत में भी आता जा रहा है, और उस वेस्टर्न कल्चर को दूर करने के लिए ही इस प्रकार से लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से भारत को बचाया जाए, भारत की संस्कृति को बचाया जाए। भैया भी बनारस से हैं और आप जानते हैं कि बनारस कितना सांस्कृतिक शहर है, सांस्कृतिक, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो सांसदीय क्षेत्र भी है, तो क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी जी ने कितना विकास किया है वहाँ पर? ये आप समझ लीजिए कि जब से वो आए हैं 80-90% वहाँ का बहुत अच्छा काम किए हैं। जब महाकाल कॉरिडोर भी वहाँ पर बना है, हम तो अभी वहाँ जा नहीं पाए हैं, अगर कभी मौका लगा तो कभी आइए, बिल्कुल आपका स्वागत है वहाँ की नगरी में। तो हमारा एक संदेश वहाँ भी पहुँचेगा और आपको वहाँ से भी महाकाल कॉरिडोर के दर्शन कराएगा। मैं भैया का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि हमसे जुड़े, और तब तक के लिए जुड़े रहिए, और हम अभी और भी लोगों से, वहाँ पर महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे।